हेलो साइन गैंग, कैसे हो तुम सब? सब मजे में हो ना? माय वाइफ इज एक्चुअली द फ्यूचर टायरेंट एम्प्रेस का चैप्टर नंबर 31 शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दावत से पहले की रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जिन्यू बहुत सारी किताबें पढ़ रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, जिसके पास दूसरे के खिलाफ जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी वही लड़ाई में जीता है। फिर हमें एक मैप का सीन दिखाया था और जिन्यू अपने मन में बोल रहा होता है जाहो क्लैन और टियान क्लैन, वो दोनों अभी बहुत नाजुक हालत में है। फिर जिन्यू सोच रहा होता है और बोल रहा होता है, महाराज को अभी हमारे जाहो क्लैन से खतरा महसूस हो रहा है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि हमारे क्लैन के अंदर एक एक्सपर्ट है। फिर हमें ब्लू स्पैरो को दिखाया जाता है, वो खिड़की पे बैठी हुई होती है और जिन्यू अपने मन में बोल रहा होता है, एक बार मुझे फिर से देखना पड़ेगा कि हम दो क्लैन के पास कैसी कैसी हथियार है और क्या क्या हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं लड़ाई में। फिर जिन्यू ब्रश से कुछ लिखना चालू कर देता है और ब्लू स्पैरो जिन्यू की गोद में आके सो जाती है और जिन्यू अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे हर एक चीज के लिए तैयार रहना चाहिए और अपने लिए क्या क्या बैकअप है वो भी देखना होगा। तभी सुबह हो जाती है और जिन्यू बाहर देखता है और अपने मन में बोल रहा होता है, इतनी जल्दी सुबह भी हो गई, मुझे तो आज राजमहल में दावत के लिए भी जाना है और मैं ये सोच रहा हूँ कि महाराज इस बार मेरे खिलाफ क्या साजिश रचने वाला है। अभी जल्दी से मैं जाके फटाफट फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद निकलता हूँ। नेक्स्ट सीन में जिन्यू अपने कमरे से बाहर आ रहा होता है और हमें उसकी आंखों को दिखाया जाता है, वो बेचारा कितना थका हुआ होता है, उसके आंख के नीचे काले धब्बे भी होते हैं। तभी वहाँ पर लुक्सी आ जाती है और जिन्यू लुक्सी को देखता है। फिर जिन्यू लुक्सी को बोलता है, आखिर तू इधर क्यों आई? फिर लुक्सी जिन्यू को बोलती है, मैं तो तेरे साथ नाश्ता करना चाहती थी और तू मुझे कहीं पर मिला भी नहीं, इसीलिए मैं तुझे बुलाने आ गई, और तू कहीं पर जा रहा है क्या? फिर जिन्यू लुक्सी को बोल रहा होता है, हाँ आज मैं राजमहल दावत के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने अपना पेट खाली रखा है और मैं पूरे राजमहल का खाना खत्म कर दूंगा। फिर लुक्सी बोलती है, अच्छा तो ये बात है। तभी हमें लुक्सी को दिखाया जाता है, लुक्सी जिन्यू को देखकर परेशान हो जाती है और हमें जिन्यू की आंखों को दिखाया जाता है, उसके आंख के नीचे काले धब्बे होते हैं। फिर जिन्यू वहां से जा रहा होता है और लुक्सी को बोल रहा होता है, तो फिर मैं फ्रेश होने के लिए जा रहा हूं, तब तक तो मेरा इंतजार कर। फिर लुक्सी एकदम प्यार से बोलती है, हस्बैंड, और ये सुनकर जिन्यू बहुत ज्यादा चौंक जाता है और शर्माने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें लुक्सी को दिखाया जाता है, लुक्सी जिन्यू के पास आ जाती है, उसके गाल पर हाथ रख के बोल रही होती है, तो अपने आप पे इतना बोझ मत ले, चाहे जितने भी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए तो हमेशा याद रखना मैं तेरे साथ हूँ और मेरे पे भरोसा कर। ये बात सुनकर जिन्यू शर्मा रहा होता है और हमें जिन्यू को दिखाता है, जिन्यू लुक्सी का हाथ पकड़ लेता है और बोल रहा होता है, ठीक है आज से मैं तेरे भरोसे रहूंगा। तभी सीन प्रेजेंट में आता है और हमें लुक्सी को दिखाया जाता है, लुक्सी दौड़ दौड़ के राजमहल जा रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है, मैंने गलत हिसाब किया था। और हमें लुक्सी को दिखाया था, लुक्सी बहुत ही ज्यादा टेंशन में होती है और अपने मन में बोल रही होती है, मैंने ये सोचा नहीं था कि महाराज को इतनी जल्दी पता चल जाएगा कि जाहो क्लैन में कोई हिडन एक्सपर्ट छुपा हुआ है और यहाँ तक कि वो मिनिस्टर हुआंग के साथ मिलकर इतनी घटिया साजिश रच रहा है। फिर हमें लुक्सी को दिखाया जाए, लुक्सी के सामने दो सिपाही होते हैं, वो राजमहल पहुंच जाती हैं और उनमें से एक सिपाही बोल रहा था, कौन है वहाँ पर, उधर ही रुक जाओ। तभी लुक्सी सिपाही की तरफ कुछ फेंकती है और बोल रही होती है, हटो मेरे रास्ते से। नेक्स्ट सीन में वो सिपाही लुक्सी के फेंके हुए चीज को उठा लेते हैं और बोल रहे होते हैं, ये तो तैयन क्लैन का टोकन है। फिर हमें लुक्सी को दिखाया जाए, लुक्सी अपने मन में बोल रही होती है, वो पागल कहीं उन लोग की जाल में फंस न गया हो। तभी हमें लुक्सी के सामने जिन्यू को दिखाया था और जिन्यू लुक्सी को देखकर बोल रहा होता है, तू यहाँ पर क्या कर रही है? और ये देखकर लुक्सी वहाँ पर रुक जाती है। तभी जिन्यू लुक्सी को बोल रहा होता है, आखिर तू इस राजमहल में कर क्या रही है? नेक्स्ट सीन में लुक्सी जिन्यू को गले लगा लेती है और पीछे से दूसरा राजकुमार बोल रहा होता है, इंपीरियल सिस्टर, और लुक्सी अपने मन में बोल रही होती है, जी हैंग यू, आखिर ये जिन्यू के साथ क्या कर रहा है? नेक्स्ट सीन में बहुत सारे सिपाही दौड़ के आ रहे होते हैं और चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं, वहीं पर रुक जाओ, और तुम्हें परमिशन किसने दिया इस पूरे राजमहल में तहस नहस करने के लिए? तभी लुक्सी सामने आ जाती है और अपने मन में बोल रही होती है, आखिर लोग इतनी जल्दी कहां से आ गए? जैसा मैंने सोचा था, महाराज ने पहले से सब कुछ प्लान करके रखा हुआ है, अब जब मामला यहाँ तक बढ़ चुका है तब मुझे छुपकर रहने की कोई जरूरत नहीं, मुझे अब अपनी असलियत बतानी पड़ेगी। और लुक्सी चिल्लाते हुए बोल रही है, वहीं के वहीं रुक जाओ सबके सब, मैं तीसरी राजकुमारी जाहो डायनेस्टी के तुम लोग को आदेश दे रही हूँ। ये बात सुनकर दूसरा राजकुमार और जिन्यू चौंक जाते हैं और जिन्यू लुक्सी को खींचते हुए लेके जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, ये पागल लड़की क्या ये अपना असली चेहरा सबको दिखाने वाली है क्या? फिर जिन्यू लुक्सी को बोल रहा होता है, मैं तुझे यहाँ से निकालूंगा, और लुक्सी जिन्यू को देख रही होती है। तभी लुक्सी को अपनी पिछले जन्म की कुछ बातें याद आती है, जहाँ पर जिन्यू लुक्सी का हाथ पकड़ के कहीं पर लेके जा रहा होता है। फिर हमें लुक्सी को दिखाया जाता है, लुक्सी मुस्कुराते हुए अपने मन में बोल रही होती है, पागल कहीं का, यहाँ तक कि तूने इस जन्म में कोई भी मार्शल आर्ट नहीं सीखा तो भी तुझे मेरी कितनी परवाह है। नेक्स्ट सीन में हमें महाराज को दिखाया जाता है, महाराज यूनिची हे को बोल रहा होता है, जल्दी से वो दोनों को रोक। तभी यूनिची हे महाराज को बोलता है, ठीक है, और वो उन दोनों के अटैक के बीच में कूद जाता है और उन दोनों के हमले को रोक देता है। ये देखकर बियोचुआन और चुनयांगजी चौंक जाते हैं और उन दोनों के हमले से यूनिची हे को बहुत ज्यादा चोट आती है, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और रुयान महाराज को बोल रहा होता है, महाराज इसका क्या मतलब है? तभी महाराज रुयान को बोल रहा होता है, इंपीरियल अंकल अपना गुस्सा थोड़ा शांत कर लो। फिर महाराज ताली बजाता है और यूनिची हे को बोल रहा होता है, यूनिची हे इन दो इमोर्टल को उनके कमरे तक लेके चले जाओ, मुझे इंपीरियल अंकल से एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। तभी यूनिची हे बोल रहा होता है, ठीक है महाराज। नेक्स्ट सीन में रुयान महाराज को बोल रहा होता है, महाराज अगर हम लोग ने उस चुड़ैल को नहीं मारा तो वो हमारे पूरे राज्य को तबाह कर दी, क्या आपको मेरे पे विश्वास नहीं है? तभी महाराज रुयान को बोल रहा होता है, मुझे तेरे पे पूरा भरोसा है, लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि मुझे उन लोग को जिंदा रखना है? और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है।